बेसिकली hey so ये कोर्स मैंने उन लोगों के लिए डिजाइन करा है जो कि फुल्ली बिगिनर्स हैं एंड जिन्हें कंप्यूटर बेसिक के बारे में कुछ भी नहीं आता एंड जिन्हें बेसिक्स आते भी हैं वो अपने कंप्यूटर स्किल्स को एडवांस लेवल तक ले जा पाएंगे इस कोर्स के थ्रू फटाफट से आज की इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं एंड बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा अबाउट कंप्यूटर बेसिकली so कंप्यूटर क्या है बहुत लोग जानते हैं एंड वो जानते तो है बट मैं चाहता हूं कि ये कोर्स फुल्ली बिगिनर्स के लोगों के लिए रखूं अबाउट कंप्यूटर्स में इस कोर्स में पहला एपिसोड में बताऊंगा एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल एंड कैसे वो होते हैं एंड बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं कैसे आपको सही आउटपुट प्रोवाइड होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सारे नोट्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा ताकि आप वो वीडियो कभी भी देख सको एंड नोट्स आप कभी भी बना पाओ एंड ये कोर्स का जो पहला वीडियो है सो दैट्स वाई मैं बेसिक रख रहा हूँ धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे बहुत लोग बोल रहे हैं क्या अंकित भाई आप इतने बेसिक्स तक ले जाओगे जी हाँ बहुत लोग हैं जिन्हें बेसिक्स नहीं आते वो इस एपिसोड वन से कवर कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं गाइज अबाउट कंप्यूटर सो व्हाट इज कंप्यूटर बीइंग अ मॉडर्न डे किड यू मस्ट हैव सीन और रीड अबाउट कंप्यूटर्स दिस इज बिकॉज दे आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरी डे एक्सिस्टेंस बट इट स्कूल बैंक शॉप रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल और योर ऑन होम कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इट मीन्स गर्स कि आजकल मॉडर्न डे में बच्चा से बच्चा कंप्यूटर को देखा है उसके बारे में जानता है उसके बारे में कहीं न कहीं पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में ये इसलिए बिकॉज हम लोगों के रोजाना जिंदगी में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया खास करके स्कूल्स में बैंक्स में शॉप्स में रेलवे स्टेशन में हॉस्पिटल्स में यहां तक कि हमारे घरों में भी कंप्यूटर का होना बहुत ही जरूरी हो गया बहुत लोगों के पास है भी बहुत लोग इस वीडियो को लैपटॉप या फिर अपने पीसी के थ्रू देख रहे होंगे बहुत लोग टैब में देख रहे होंगे सब हम लोग का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है कंप्यूटर का

कैलकुलेट कैलकुलेट करते करते हैं, हैं। डेटा को मॉडर्न कंप्यूटर कैन डू अ लोट मोर देन कैलकुलेट बट बट आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स से लाइक like आजकल के स्मार्टफोन हो गए वो कैलकुलेट करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइक like आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ आजकल कैलकुलेटर या फिर डेटा कैलकुलेशन का ही वर्क नहीं होता आजकल बहुत सारे एडवांस वर्क्स भी होते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट इनपुट स्टोर्स और प्रोसेस द एज पर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्मेट इस सेंटेंस का मतलब ये होता है गाइस कि अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दू की कंप्यूटर कभी भी गार्बेज इन गार्बेज आउट वैल्यू प्रोवाइड करता है क्यों क्योंकि हम लोगों से ये कंप्यूटर इनपुट लेता है एंड वो स्टोर करता है प्रोसेस करता है क्या प्रोसेस करता है हम लोग का इनपुट और जो हम लोग इंस्ट्रक्शन हम लोग दिए हैं कंप्यूटर को उस हिसाब से हम लोग को प्रोवाइड करेगा आउटपुट गार्बेज इन गार्बेज आउट अगर आपको फाइव इंटू फाइव करनी है तो आपको ट्वेंटी फाइव ही आंसर आएंगे अगर आप गलती से फाइव इंटू थ्री लिख दिया आपने फाइव की जगह तो आप लोग को फिफ्टीन आंसर आएगा ना कि ट्वेंटी फाइव ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट प्रोसेस करके देगा कंप्यूटर आई होप आप समझ लिया कंप्यूटर क्या है अबाउट कंप्यूटर सो लेट्स गेट मूव ऑन अनदर टॉपिक एंड दिस इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल सो बेसिकली ये मॉडल है क्या बहुत लोगों को पता होगा एंड बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं ये मॉडल के बारे में सो so हम कवर करते हैं कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डाटा हम लोग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसे डेटा बोलते हैं बहुत लोग नहीं जानते हैं कि डेटा होता क्या है नाम तो सुना है बट डेटा क्या है कंप्यूटर इनपुट जो होता है वो डेटा होता है जो हम लोग देते हैं इनपुट में कंप्यूटर को वो डेटा होता है एंड द आउटपुट ऑपरेन्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इट बेस्ड ऑन यूजर्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एंड जो हम लोगों को उस इनपुट के थ्रू प्रोसेस करके कंप्यूटर जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है प्रोसेस करके क्या प्रोसेस कर रहा है आपके इंस्ट्रक्शंस को एंड वो जो आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं सो बेसिकली रॉ फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये वो होता है जो कि प्रोसेस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इन टू डिजिवन मॉड्यूलस ये सब जितने भी कैलकुल लॉजिकल एंड लॉजिकल में क्या हो गया एंड और एंड नॉट सो बेसिकली जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करके हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो भी डेटा का ही एक रूप है सो so, यहाँ पर आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरह से इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल वर्क करता है सो बेसिकली यहाँ ये हो रहा है कि गैस हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो कंप्यूटर क्या कर रहा है प्रोसेस कर रहा है एंड देन आपके इनपुट के थ्रू आपने जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करा है आपने, उसके हिसाब से प्रोसेस कर कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है बस इतना होगा कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल क्या है मैं में जरूर दूंगा, बट आगे बढ़ते हम लोग की द प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू टाइप्स अब डेटा में जितने प्रोसेसिस होते हैं वो दो प्रकार

दोनों सो लॉजिकल ऑपरेशन इज लाइक कंपेरिजन ऑपरेशन लाइक ग्रेटर टू अपि सो अर्थमेटिक ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन इज नथिंग बट वेन वी वॉन्ट टू कैल्कुलेट एनीथिंग दीज टू ऑपरेशन आर अप्लाइड आई होप यू गेट इट गाइज सो लेट्स मूव ऑन अदर टॉपिक द कोरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर एन एक्चुअल कंप्यूटर लुक्स समथिंग लाइक दिस सो बेसिकली इस तरह से दिखता है एक्चुअल कंप्यूटर कोरोस्पॉन्डिंग फिगर सो इसमें इस फिगर को आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो मैं आप लोग को समझाता हूं कि हो क्या रहा है यहां पर कि कंट्रोल यूनिट है हम लोग इनपुट दे रहे हैं हम लोग इनपुट दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स हम लोग दे रहे हैं मैंने आप लोगों को बताया अर्थमेटिक और लॉजिकल क्या होते हैं सो so, हम लोग जब भी मैंने मान मान लो गाइस कि मैं टू प्लस टू दिया तो उस हिसाब से ये कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करके आउटपुट आपको आउटपुट प्रोवाइड कर आई होप यू गेट इट गाइज द बेसिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर एज फॉलो सो so, अब बात करते हैं बेसिक पार्ट कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं सो so, बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं सो so, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट सो बेसिकली इनपुट यूनिट क्या होता है डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माउस दैट आर टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट सो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं इनपुट डिवाइस जैसे कि मान लो कि आपको कहीं इनपुट देनी लाइक like आपको कैलकुलेशन करना है टू प्लस टू तो आपको इनपुट देनी पड़ेगी तब तो आपको आउटपुट मिलेंगी ना सो बेसिकली मैं कहना यह चाह रहा हूँ कैलकुलेशन करनी है देन आपको टू प्लस टू लिखना इज कम्पल्सरी सो so आप कैसे लिखोगे कीबोर्ड के थ्रू एंड आप वहां पर ही माउस के थ्रू भी लिख सकते हो आजकल वर्चुअल कीबोर्ड आता है सो बेसिकली इनपुट डिवाइस वही है लाइक कीबोर्ड एंड माउस जो कि इनपुट डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देते हैं कॉल्ड इनपुट यूनिट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माउस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेट एंड इंस्ट्रक्शंस टू दूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट आई होप आपने समझ लिया होगा सर so, आगे बढ़ते हैं आउटपुट यूनिट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन द डिजायर्ड फॉर्मेट आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट सो बेसिकली आउटपुट यूनिट इज लाइक जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है Like कौन मॉनिटर हम लोग आउटपुट प्रोवाइड करता है कौन प्रिंटर आउटपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट सो बेसिकली कंट्रोल यूनिट वो है जहां पर जितने भी डिवाइसेस और पार्ट से इंटरेक्ट कर पाते कहा से? से. से सारा प्रोसेस होता है अब आप इनपुट टू प्लस टू आपने दिया कंट्रोल यूनिट पे गया वो सारे पार्ट्स को इंटरैक्ट करके आपको मॉनिटर में या फिर स्पीकर हाँ, में जैसे आपको गाना प्ले करना था माउस तो से, से जो आउटपुट आ रहा है वो हो गया. वो हो गया. आपने समझ लिया सो so, आगे बढ़ते यूनिट दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड लॉजिकल ऑपरेशन टेक प्लेस सो एल नथिंग बट ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जो कि सारे अर्थमेटिक

प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी रिसाइड्स विद इन द दीपी सेकेंडरी मेमोरी इज टू टू एक्सटर्नल इट अब यहां पर बहुत लोग नहीं जानते आई एम श्योर नहीं जानते होंगे कि ये दो प्रकार के मेमोरी क्या क्या होते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी सो सो प्राइमरी मेमोरी हमारा हो गया जो पहले से लाइक एस एस डी हार्ड डिस्क ये सब हो गया मेरा प्राइमरी मेमोरी जो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले से फिक्स है और सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक मैंने पेनड्राइव अपने लैपटॉप में जैसे लगा रखा है अभी सो वो हो गया मेरा सेकेंडरी यूनिट जो कि हमें एक्सटर्नल से हम लोग दे रहे हैं वो होगी हमारा सेकेंडरी मेमोरी सो प्राइमरी मेमोरी इज लाइक जो इंटरनल है एंड जो मैं एक्सटर्नल से प्रोवाइड कर रहा हूं अपने कंप्यूटर को मेमोरी वो लाइक सेकेंडरी मेमोरी सो एक सेंटेंस है गाइस कंट्रोल यूनिट लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी आर टुगेदर कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब भी कंट्रोल यूनिट अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी आर टुगेदर एक साथ होंगे उन्हें कहेंगे सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस प्रिंटर्स दैट वी कैन सी एंड टच आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सो बेसिकली जिन्हें हम टच कर सकते हैं लाइक like क्या क्या हम टच कर सकते हैं माउस को टच कर सकते हैं कीबोर्ड टच कर सकते हैं वो सब क्या है वो सब हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और दैट मेक द कंप्यूटर फंक्शन यूजिंग देयर हार्डवेयर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर सो बेसिकली जो हार्डवेयर से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंड जहां पर जिसे हम छू भी नहीं सकते वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर हम लोग सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज की ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर के लिए सो so, आगे बढ़तेगा इसम इट कैरेक्टरिस्टिक्स सो बेसिकली हम लोगों ने ये तो जान लिया की कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है एंड हम लोगों ने जाना की इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल क्या होता है सो so, बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के वो जानना भी बहुत जरूरी है लाइक like स्पीड टिपिकली कंप्यूटर कैन कैरी आउट थ्री फोर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड सो बेसिकली कंप्यूटर के पास इतना तेजी होता है कि वो तीन से चार मिलियन इंस्ट्रक्शन हर एक सेकेंड में कर सकता है कैरी कर सकता है एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स एग्जिबिट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एरर्स दैट मे अकर आर यूजुअली ड्यू टू इन एक्यूरेट डेटा रॉन्ग इंस्ट्रक्शन और बग इन चिप्स All human errors. अब अगर बात तो तो जरूरी नहीं नहीं कि accuracy 100% 100% आपको मिलेगी। आपने अगर 2 +2 लिखा है है। तो आएगा इसकी कोई भी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बग्स होते हैं या फिर चिप्स में कोई एरर होता है या फिर हम लोगों ने टू के जगह थ्री टाइप कर दिया गलती से तो, तो उस हिसाब से इन एकट रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को एक्यूरेसी हमेशा 100% मिलने वाले कंप्यूटर के थ्रू रिलायबिलिटी कंप्यूटर कैन कैरी आउट सेम टाइप ऑफ वर्क रिपीटेडली विदाउट थ्रोइंग अप एरर्स ड्यू टू ट्राइडनेस और बोर्डम व्हिच आर वेरी कॉमन अमंग ह्यूमंस तो अगर मैं ह्यूमंस को अगर मैं आपको बोलूं कि आप दिन भर काम करो एंड शाम होने के बाद आप फिर से वही रात भर काम करो और फिर से आप दिन भर फिर से करो तीसरे बार तो आप थक जाओगे आप नहीं करोगे बट कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रिलायबिलिटी हमेशा मेंटेन करके रखता है वो कभी टाइर्डनेस फील नहीं करता बोर्डम फील नहीं करता यही तो कंप्यूटर की खास बात है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बट ह्यूमस ह्यूम ऐसे नहीं है सो so ये डिफरेंस होता है ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स में सो so आगे बढ़ते हैं वर्सैटिलिटी Computers can carry out a wide range of work from data entry and ticket booking to complex mathematical calculation and continuous astronomical observation if you can input the necessary data and correct instructions computer will do the processing so basically versatility is नथिंग बट कंप्यूटर जो भी हम लोगों वाइड रेंज में डेटा एंट्री टिकट बुकिंग बहुत मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जितने भी भारी भारी काम होते हैं वो सब अच्छे से प्रोसेस कर पाता है कंप्यूटर एंड आगे बढ़ते हैं स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ फाइल्स ऑल्सो डाटा इज सेव फ्रॉम नॉर्मल वीयर एंड टीयर एसोसिएटेड दिस ज कैपेसिटी इज लाइक हम लोग कंप्यूटर में बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को सेव कर सकते हैं हार्ड like, डिस्क है तो आप टेन टीबी तक डाटा डाटा स्टोर कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं और आपने अगर वन पेटा बाइट का अगर आपने हार्ड डिस्क लगा रखा है जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है वन पेटा बाइट का भी आप लगा सकते हो सो so, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा उसके पास स्टोरेज होता है कंप्यूटर के पास सो बेसिकली गाइड्स अगर आप चाहते हो कि जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर करे उनका नोट्स आप लोगों को चाहिए अगर आप बनाना चाहते हो और बिल्कुल बनाना चाहिए तो अगर आप आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोगों की प्रिपरेशन और बेटर होती जाएंगे फील्ड में और और आपकी स्किल्स और भी एडवांस होती जाएंगे so और गो टू द डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड होल पीडीएफ सो बेसिकली हम रिकेप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा हमने पढ़ा अबाउट कंप्यूटर इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल जो कि काफी आसान था एंड ऑपरेशंस पढ़ा लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एंड हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से काम करता है एंड हम लोग बेसिक पार्ट्स देखे लाइक इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ए एल यू हमने पढ़ा मेमोरी पढ़ा एंड सीपी क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा स्पीड एक्यूरेसी रिलायबिलिटी वर्साटिलिटी स्टोरेज कैपेसिटी एंड लास्ट में बोलना चाहूंगा कि गाइस आप नोट्स बनाते रहना ये एपिसोड वन है इट मीन ये बेसिक था हम लोगो को प्रैक्टिकल भी देखनी है गाइस बहुत लोग हैं जो कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज करना नहीं जानते हैं हाँ है बहुत लोग को हंसी बट ऐसा है बहुत लोग हैं सो so बेसिकली आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल इस कोर्स के थ्रू बेसिक टू एडवांस लेवल पे अपने कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप कर पाओगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो so देखते रहिए फॉर यूर चैनल गुड बाय एंड टेक केयर